Sare ga ma pa da ni sa 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 re ga ga ma ma pa da da ni ni sa 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 re ga re ga ma ga ma pa ma pa da ma da ni sa vikas ki pakshala. हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से हम पियानो सीरीज के इस नए ट्यूटोरियल में हैं और लास्ट एपिसोड में, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको सारी कीज़ के नेम बताए थे कि इस की का ये नाम है और इस की का ये नाम है, और ये भी कहा था कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप हारमोनी बजाना सीखें, कोड्स बजाना सीखें, उनको बनाना सीखें। यस, हारमोनी, ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में इसका जिक्र शायद नहीं किया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हारमोनी क्या है? कोर्ड्स से पहले अगर हम हारमोनी के बारे में जान लें तो हमारे लिए कोर्ड्स तक पहुँचना थोड़ा और इजी हो जाएगा, राइट? हारमोनी क्या है? हारमोनी जो है वो, हारमोनी दो सुरों को मिला के बनती है। दो ऐसे सुर, दो ऐसे नोट्स जो सुनने में हमें अच्छे लगें, खूबसूरती को बढ़ाएं किसी भी गाने की, वो दो सुर जो उस गाने में भी लगे हुए हों और उनका जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जो उनका कोऑर्डिनेशन चलेगा वो इतना मेलोडियस हो कि जब आप सुने तो आपको लगे कि यस, दिस इज़ हारमोनी। ठीक है, मतलब सुन, कानों को सुनने में जो अच्छा लगे वो हारमोनी बन सकती है। तो चलिए अब हम एक बार हारमोनी को एक बड़ा एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने सी शार्प की है, जो इसको मैंने अपना सा मान लिया, ठीक है, ये मैंने बजाए शुद्ध स्वर सारे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हमें इसकी हारमोनी बनानी है, तो हम इसकी हारमोनी कैसे बनाएंगे, राइट? देखिए सा, अब हम देखते हैं कौन कौन से सुर जो है वो सा के साथ अगर मिलते हैं तो अच्छे लगेंगे। अब हमारे शुद्ध स्वरों में रेगा मापा धानी हमारे पास है, तो हम सा के साथ रे को बजा के देखते हैं। शायद ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दो सारे, तब गा को मिला के देखते हैं, सा गा, यस, ये प्यारा लग रहा है, सा गा। तो देखा आपने, सा के साथ गा को जैसे ही मिलाया वो एक सुंदर सा, उसने एक माहौल सा क्रिएट कर दिया कि यस आई एम हारमोनी, राइट? अब देखो, हमने सा बजाया, रे को छोड़ दिया और फिर हमने गा को बजाया। शुद्ध स्वरों की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ सा के बाद गा को बजाया, मतलब एक के बाद एक सुर छोड़ा तो हमारी एक हारमोनी बन गई। ऐसे ही हम अगले सुर के साथ करेंगे, हम रे बजाएंगे, गा को छोड़ देंगे और मा बजाएंगे, दिस इज हारमोनी। गा बजाएंगे, मा को छोड़ देंगे, पा साथ में, ये हारमोनी है, ये मा और धा, पा नी धा सा। अभी हम सरगम के हिसाब से देखें तो धा तक पहुंचे हैं, सा तो हारमोनी में बज रहा है ना, तो फिर उसके बाद हम नी पे जाएंगे, नी, नी के साथ फिर ऊपर वाला रे जो है वो हमने अपर ऑक्टेव का यूज किया, देन सा। तो एक तो हमने बजाया सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके साथ में हमारा क्या बजता गया, गा मा पा धा नी सा रे गा, उससे जो है हमारी एक हारमोनी बन गई। एक बार इसको गा के देखते हैं, राइट। अब हम एक काम करते हैं, हम हमारे मेन सा को नहीं गाएंगे, ये सिर्फ बजाएंगे, रहेगा यही मेन, लेकिन हम इसको गाएंगे। अब इसको क्या गाएंगे, हम गा, गा मा पा धा नी सा रे गा, गा रे सा नी धा पा मा गा। इसको हमने सा से गाया और सा ही गाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, और गा से हमने गा को ही गाया, गा मा पा धा नी सा रे गा। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब मान लो हम हारमोनी बजा रहे हैं, बजाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम किन्हीं दो लोगों को, किन्हीं दो सिंगर्स को खड़ा करें और उन्हें बोलें कि आप इस चीज को गाओ, उन्हें अगर हम बोलते हैं तो एक तो गा रहा है सा रे गा मा पा धा नी सा और एक गाए गा मा पा धा नी सा रे गा, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं नोट्स जो है, जो सुर हैं वो तो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, लेकिन जो हमें साउंड सुनाई दे रही है, जो सुर सुनाई दे रहे हैं लाइक सा के साथ गा, वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
अब हम ये सारे गामा पाधानी सा तो चल ही रहा है, तो जहां से हमने गा बोला था इसको भी हम सारे गामा पाधानी सा ही बुलवाएं। कैसे? सारे गामा पाधानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए सारे गामा पाधानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। इससे क्या फायदा होगा, जो सा से सा तक गा रहा है वो भी सारे गामा शब्द गा रहा है, जो गा से गा तक जा रहा है वो भी सारे गामा, तो वो एक जो कॉम्बिनेशन आएगा वो बहुत प्यारा होगा, वो एक जैसा लगेगा सुनने में, लेकिन एक जैसा सुनाई देते हुए भी वो अलग अलग हारमोनी पे गा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा मेथड है, आप इसको एक बार यूज करके देखिएगा। ये शुद्ध स्वरों के हिसाब से मैंने बताया है, आप किसी भी की से बजा सकते हैं सारे गामा पा को। ये भी मैंने आपको एक पहले एक मेथड बताया था एक वीडियो में, तो आपको थोड़ा सा इस पे कष्ट देना पड़ेगा, आपको मेरे YouTube चैनल पे जाके ट्यूटोरियल्स में जाके जो पियानो सीरीज है उसमें आपको इस चीज़ को जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि हर की से हम लोग सारे गामा पा कैसे बजा सकते हैं। कीज के नाम आपको मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताए हैं, तो ये शुद्ध स्वरों से मैंने आपको हारमोनी बजाना सिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा लेसन आपके लिए ठीक नहीं होगा, मुश्किल खड़ी कर सकता है। आप पहले इसी को परफेक्टली अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बजाने की प्रैक्टिस, इसको गाने की प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं अपने किसी गाने में कोशिश कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई हारमोनीज के साथ, और उसके बाद कोड्स पर चलेंगे। थैंक यू।